वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ओ कुछ चांसेस बन रहे हैं कि शायद नीट पोस्टपोन्ड हो जाए, क्योंकि देखिए जेई का एग्ज़ाम 23 जून को होना था, जिसके कि अभी तक एडमिट कार्ड रिसीव नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स को। ऐसा तो होता नहीं है, एग्ज़ाम से ठीक 2 घंटे पहले एडमिट कार्ड आया, 1 दिन पहले आया, काफ़ी टाइम पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ, अगर जेई का एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, ऊपर से आप देख रहे हैं कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, एंड बिहार का सीन तो हम सभी को पता है कि बिहार में क्या चल रहा है और राजस्थान में, तो ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं और आपके हमारे सभी के प्रयास मिलकर 1.5 मोर देन 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स के जो ट्विटर्स पे मैसेजेस फ्लो किए थे वो सभी पहुँचे हैं और उसको एक्नॉलेज किया है। किसने? एनटीए ने। तो एनटीए को कहीं ना कहीं अगर बात समझ में आती है कि 30 से 40 दिन का जो वक्त मांगा है स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी के लिए, तो देना चाहिए। और जेई का डेफिनेटली अगर पोस्टपोन होता है तो पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम 100% श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं बोल सकते कि नीट पोस्टपोन हो जाएगा। 100% तो छोड़िए, हम 20% के साथ भी नहीं बोल सकते। इतने सारे सीन क्रिएट होने के बाद भी, इतने सारी बातें होने के बाद भी, तो पढ़ते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। अगर नीट पोस्टपोन्ड होता है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए वक्त मिलेगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए। आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।